स्टूडेंट नया चैप्टर शुरू कर देते हैं आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक है आपकी और उसमें थर्ड चैप्टर है व्हाई डू नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। बच्चों सबसे हम पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं कि पार्लियामेंट होती क्या है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होती है, देखो हमारे देश को छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके स्कूल का, ठीक है। स्कूल में सबके काम अपने अपने डिवाइड है ना, अब ये कौन तय करेगा कि कल छुट्टी होगी, स्कूल लगेंगे या नहीं लगेंगे, कौन सा पीरियड कब लगेगा, फर्स्ट पीरियड किस चीज़ का होगा, सेकंड पीरियड किस चीज़ का होगा, ड्रेस किस दिन कौन सी लगेगी, पीएन का क्या क्या काम होगा, टीचर कब कब जो है वो उसमें पीरियड कौन कौन सा लेंगे, या कौन सी एक्टिविटी कौन सी स्कूल में खेल गतिविधि कब होंगी, एग्ज़ाम कब होंगे, क्या कभी सोचा है कि ये डिसीजन कौन लेता है। कोई तो डिसीजन लेता है ना, और कोई डिसीजन लेने से पहले उनको रूल भी बनाता है ना कि दिवाली की चार दिन की छुट्टियां होंगी और इस दिन बच्चे ये करेंगे, एग्ज़ाम होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, और ये सारे लिख के लेटर आते हैं आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारे। तो कभी सोचा है कि ये रूल कौन बनाता है, और इन फिर वो रूल बनाते हैं तो उनको लागू कौन करता है, और उनको लागू करने का डिसीजन कौन लेता है। इसी तरह आपके स्कूल देश में भी कंट्री में भी हजारों तरह के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। हमारे देश में भर्ती कब निकलेगी, कौन कौन सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब भर्ती के रूल क्या होंगे, किस तरह से किसी को जॉब मिलेगी, मेडिकल स्टूडेंट है तो वो MBBS करने के लिए कौन सा टेस्ट देगा, या इस टेस्ट को क्वालिफाइड करने के लिए क्या क्या रूल बनेंगे, स्कूल कहाँ खुलेंगे, कैसे टीचर पढ़ाएंगे। जैसे अभी छुट्टियाँ चल रही हैं आपकी, ठीक है, COVID-19 की बीमारी के कारण, ये किसने डिसीजन लिया कि स्कूल बंद हो जाए। आप कहोगे जी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, यही कहोगे ना गवर्नमेंट ने किया। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट देखो हमारे देश का शासन चलाने वाली बॉडी होती है, ओके। और ये बॉडी जो है किसी एक अंग से मिलकर नहीं बनी, मतलब कोई एक अंग नहीं है, सरकार के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स हैं। देखो लोकतंत्र है आपके देश में, है ना, जिसमें देश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, देश के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी में ज़रूरी है पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है भिन्न भिन्न लोगों में बंटी होनी चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में पावर तो आपके स्कूल में भी नहीं होती, भिन्न भिन्न काम जो होते हैं वो बंटे होते हैं ना, इसी तरह हमारे देश में भी भिन्न भिन्न काम हैं और वो बटे होते हैं, और उनको करने के लिए गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ये सारे काम करवाती। अब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मैंने अंग, वो किन किन अंगों से काम करवाती, किन किन अंगों से काम करवाती वो देख लेते हैं। तो हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ते हैं, आप चार्ट बना लेना गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, ओके। इसके तीन अंग हैं, फर्स्ट है लेजिस्लेचर, अगर मैं ये पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ तो फिर भी कर लेना, लेजिस्लेचर। दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव। और थर्ड अंग है, तीसरा हम यहाँ लिख लेते हैं, जुडिशरी। इन तीनों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनको क्यों चुना जाता है या अपॉइंट किया जाता है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता इन्हें कैसे चुनती है, ये सारी चीज़ें। आज जो आपका चैप्टर है वो फर्स्ट अंक के बारे में है आपका, जिसे कहते हैं हम लेजिस्लेचर, ठीक है। मैंने एक आपसे बात पूछी थी लेजिस्लेचर
आपके देश में रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? रूल्स ये लेजिस्लेचर बनाती है। रूल्स को लेजिस्लेशन भी कहते हैं। रूल्स को क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन भी कहते हैं, लॉज भी कहते हैं, कानून भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, रूल्स में सारा कुछ आ गया। हमारे देश का शासन रूल पे होता है। और रूल कौन बनाता है? रूल बनाने वाली संस्था हमारे यहाँ लेजिस्लेचर। हर देश में एक लेजिस्लेचर होती है, मतलब सरकार का काम बटा होता है और वो लेजिस्लेचर क्या करती है? रूल बनाती है। ठीक है, लॉ फॉर्मेशन, रूल मेकिंग का काम किसका है? लॉ फॉर्मेशन, जिसे लॉ कानून फॉर्मेशन बनाना, ठीक है, ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का। हमारे देश में लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट। हमारे देश में लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ये शब्द कहाँ से आया? ये आया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही क्यों आया? क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री शासन करने वाली गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। क्योंकि हम लंबे समय तक ब्रिटिशेज के अधीन रहे हैं, तो ब्रिटिश, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। इसे बोलते हैं संसद। अब संसद भवन तो आपने देखा होगा सभी ने चित्र में, नहीं देखा तो मैं ये बता देती हूँ। ये रहा, ये एक बिल्डिंग है, दिल्ली में है। 1921-22 में ये बनी थी, अंग्रेज ही बना के गए थे। और ये देखो, इसमें पब्लिक खड़ी है, पब्लिक ने भिन्न भिन्न तरह के कपड़े वगैरह पहने हुए, तो इसका मतलब यहाँ हर तबके का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, देश के किसी भी कोने, क्षेत्र, जाति से आता हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, इस भवन में अगर आप अंदर देखोगे तो दो चैम्बर हैं। ये रहे, ये हमारे देश की संसद है। ये भवन कभी दिल्ली जाओ तो देख के आना, इंडिया गेट के साथ ही है। और इसके अंदर कमरे हैं जिनमें ये बेंचेस लगे हुए हैं, देखो। और इन बेंचेस पे एक तरफ तो सरकारी आदमी बैठते हैं जो रूल करते हैं इस देश पर, एक तरफ जो पार्टी हारी होती है और ओपोजिशन में बैठती है, विरोधी दल के रूप में बैठती है, वो एक तरफ बैठती है। ठीक है, ये दो चैम्बर है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ठीक है, ये जो है लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है, इस पे लोग बैठेंगे, राज्यसभा और लोकसभा और कुछ नहीं है ऐसा। इसमें दो चैम्बर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आते हैं दोबारा से संसद में, कि हमारे यहाँ संसदीय शासन कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। संसदीय शासन का मतलब होता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं, कैंडिडेट हैं, वो संसद के सदस्य होने जरूरी है। क्या होने जरूरी हैं? मान लो गवर्नमेंट में कोई मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी लगाओ, वो पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी है। इसलिए इसे कहते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बनती कैसे है, क्या क्या करती है, क्या काम किया जाता है? आपने 2019 में के इलेक्शन याद करो, इलेक्शन हुए थे, मोदी को जिताने के लिए सारा देश मतलब वोट डालने गया था, क्योंकि मोदी की सरकार ही बनी है ना। किसी ने विपक्षी पार्टी के भी दिए होंगे और आपने सुना होगा वो हार गई। ठीक है, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन थे वो। और पार्लियामेंट में क्या क्या है ये देख लेते हो। पार्लियामेंट एक भवन है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके दो हाउस हैं, एक लोकसभा है, इसे बोलते हैं लोकसभा, इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। सारे नाम लिख लेना इसके, हाउस ऑफ पीपल। और इसे एक नाम और दिया जाता है, लोअर हाउस। इसे वैसे हमारे संविधान में ये कहीं नहीं है लोअर हाउस, लेकिन कहा जाता है लोअर हाउस भी इसे। किसको? लोकसभा को।
समझ में आ गया। और दूसरा जो चैम्बर है हमारे देश में वो है राज्यसभा। दूसरा चैम्बर क्या है? राज्यसभा। अगर आपने चार्ट बनाना है तो आप बीच में वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और उसके बाद इनके नाम लिख लें। इस तरह से चार्ट आपकी कॉपी पे बने होने चाहिए। राज्यसभा, राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ स्टेट। हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं अब, हाउस ऑफ स्टेट। राज्यों की सभा, हमारे देश में 28 राज्य है ना, उनकी सभा। और इसका एक नाम और है अपर हाउस। ये तीनों नाम इनके याद कर लेना, अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। सदन इनको हिंदी में बोलते हैं, सदन। और राज्य लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर। और लोगों का घर और दूसरा बोलते हैं इसको अपर हाउस, नहीं लोअर हाउस। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं, लोकसभा कैसे बनती है, लोकसभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। लोकसभा में इलेक्शन जब होता है तो पूरे भारत का होता है, पूरे भारत से लोग चुने जाते हैं और डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? डायरेक्ट जनता द्वारा, पीपल्स हाउस, लोग, भारत के लोग इन लोगों को चुनते हैं। सारे देश में इलेक्शन होता है। जितनी भी भारत में लोकसभा में सीटें होंगी, सीट का मतलब कितने लोग चुने जाएंगे, भारत में लोकसभा में फिलहाल मेंबर हैं, फिलहाल कहा मैंने, 543 जिनका चुनाव होता है, इलेक्शन। ओके, दो हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुनता है, दो को चुनता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति। अब इन 543 का इलेक्शन कैसे होता है हम ये देख लेते हैं। वैसे अब एक बात और ध्यान से सुन लो आप, 545 सदस्य हैं लेकिन हमारी संसद में 552 सदस्य हो सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं, ये है हो सकते हैं, इस विधान में लिखा हुआ। हमारे देश में 543 सीटों में से लोग कैसे चुन चुन कर आते हैं, ये 543 लोग कैसे चुने जाएंगे? पूरे भारत को 543 भागों में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सारे देश के लोग 500 क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं। और ये माना जाता है हमारे देश में कि 20 लाख लोगों को एक क्षेत्र में लाया जाता है ताकि एक एमपी का चुनाव हो सके। एमपी मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मेंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर होता है, उसे एमपी कहते हैं। एक एमपी को 20 लाख लोग चुनते हैं। अब तो ज़्यादा खैर जनसंख्या के अनुसार, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या के अनुसार 1976 की जनसंख्या के अनुसार लोग चुने जाते हैं। अभी भी, अभी जनगणना जो 2011 की है वो नहीं ली गई है हमारे देश में। 1976 में जितनी जनगणना थी उसी के हिसाब से एक एमपी को चुना जाता है और इसमें लगभग 20 लाख लोग आते हैं। ओके, तो सारे 20 लाख ऐसे एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिए जाते हैं लोग। जैसे आपका जो इलाके का एमपी है वो हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। हिसार में बहुत सारे जिले, जींद और फतेहबाद, सिरसा, इनके सॉरी सिरसा नहीं कैथल, ये आ जाते हैं। तो
इन लोगों को मिलाकर एक हिसार की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है हरियाणा में। जैसे लोकसभा की 10 सीट है, पूरे हरियाणा को 10 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और 10 लोगों के लिए चुनाव होते हैं हरियाणा में। और पूरे भारत में चुनाव कितने में होंगे? 543 में। तो पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में बांट दिया? 543 का। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? चुनावों की डेट घोषित करता है। इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन करवाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखी हुई है, संविधान से शक्तियां प्राप्त करता है। अब ये 543 लोग कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, हम ये समझते हैं। ये 543 लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से टिकट लेते हैं। आपको पता है ना, राजनीतिक दल होते हैं हमारे यहाँ। सुना किसी राजनीतिक दल का नाम? देखो, कांग्रेस है एक राजनीतिक दल, नाम सुना होगा। बीजेपी है, जिसकी अब बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं। और जेजेपी है हरियाणा में, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और पंजाब में जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा दल है, शिरोमणि दल है, और अकाली दल जिसे बोलते हैं। और राजस्थान में जैसे कांग्रेस और बीजेपी का मैच चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां, हमारे देश में 1800 के करीब पार्टियां हैं। तो आप जो मेजर मेजर पार्टियां हैं उनके बारे में जानें, नेट पे सर्च करें, उनके नाम लिखें, उनके हेड लिखें, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट इन्हें लगता है कि ये जीत सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको क्या देती हैं? टिकट देती हैं लड़ने के लिए। देखो बेटा, ये सारे शब्द आप सुनते हो इलेक्शन, और टिकट पार्टी मिलती से मिलता उसको सिंबल। सिंबल का मतलब होता है चुनाव चिन्ह। जिस चुनाव चिन्ह पर, कहते हैं ना, कमल के फूल पे डाला यो, चप्पल पे डाला यो, चश्मे पे निशान पे लगाना ना, तो इसे बोलते हैं राज सिंबल। और ये सिंबल क्या करते हैं, सिंबल पे लोग मोहर लगाते हैं कि हाँ, मैं इसको अपना वोट देता हूँ, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हमारे देश में तो 15-15 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं एक एक सीट पे, ठीक है। याद करो, 2019 का इलेक्शन हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट का भी, और 2020 में हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट का, 2019 में हुआ था हमारी केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का। उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन लोग खड़े हुए थे और उनके क्या क्या सिंबल थे, ये आप देख लेना, ओके। ये आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद क्या करते हैं, मान लो हरियाणा में ये 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10 भागों में बांट दिया हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा को 10 भागों में बांट दिया, 20-20 लाख लोग हरियाणा के आगे, 2 करोड़ जनसंख्या मानी गई है, बाकी अभी तो 2,53,00,000 हो गई है हरियाणा की जनसंख्या, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी हैं। ये हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये भिवानी है, ये करनाल है, ये गुड़गांव है, ये फरीदाबाद है, ये सिरसा है, ये अम्बाला है, ये कुरुक्षेत्र है, और ये भिवानी है, और ये रिवाड़ी है, या महेंद्रगढ़ लगाओ। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो बहुत सारे ABCD दलों के लोग खड़े हुए, ठीक है। आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेते हैं, हिसार की कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेते हैं। इसमें मान लो इलेक्शन होने वाले हैं, ओके, हिसार वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो बहुत सारे दलों के लोग टिकट लेके चुनाव में लड़ रहे हैं। ये ए दल है, बी सी डी, इससे राम, इससे श्याम, इससे मोहन, इससे अजय इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये कैसे जीतेंगे बताओ मुझे, कौन लोग इलेक्शन जीत सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिले हों। इसे बोलते हैं मेजोरिटी मिली हो, जिसे जिसको मेजोरिटी मिली हो, बहुमत मिला हो, वही लोग चुनाव जीत सकते हैं। मान लो आर
ए पार्टी का मेंबर है और आर को मिले, आर को मिले 25% वोट, ठीक है। बी का है श्याम, इसको मिले 20% वोट, सी को मिले 10% वोट, डी के जो डी का जो अजय है उसको मिले 15% वोट, ई को मिले 15% वोट, और इसी तरह से एफ को मिले कितने मिलेंगे, कितने रह गए, 25, 20, 15 और, ठीक है। सबसे ज़्यादा 25% को किसको वोट मिले, आर को, ए पार्टी को, तो ये विजेता है। मतलब आर ने इलेक्शन जीत लिया, क्यों, क्योंकि आर को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। ओके, आर जो है था, राम जो है वो ए पार्टी से था, मान लो ये बीजेपी पार्टी थी, और इसका जो राम है वो जीत के आ गया। इसी तरह सारे देश में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और इसको 543 में से 543 पे इलेक्शन होगा, 543 सीटों में से टोटल जो जितने भी इलेक्शन हुए, राम तो जीत के आया था सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करके, लेकिन पार्टी कैसे जीतेगी अगर इस बीजेपी पार्टी को इस 543 के आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाए, जब वो एक सीट प्राप्त हो जाए, आधे से ज़्यादा ये बनेगी 273 के आसपास। अगर इतनी सीटें इसको मिल गई तो इसका मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी की जीत हो गई। वर्तमान में बीजेपी के पास 303 सीटें हैं, तो 303 ये पान इससे तो ज़्यादा हैं, तो वो सरकार बना लेती। तो इस तरह से लोकसभा का इलेक्शन जीतने वाली पार्टी ही क्या बनती है, पार्टी ही सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, सरकार आपकी बन गई है, जिसको लोकसभा में कितनी सीटें मिल गई, 273, जिस दल को मिल गई वो क्या बन गए, सरकार बना लेते हैं। लेकिन पार्लियामेंट कैसे बनी, लोकसभा बन गई है, लोकसभा के मेंबर कोई गवर्नमेंट के मेंबर नहीं है कि 273 ही लोग जीत के आए हैं तो यही पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। जिसकी पार्टी नहीं जीती बट जिसने इलेक्शन जीता है, मान लो कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे, इनके कैंडिडेट 100 लोग सीट जीत के आ गए, सरकार तो इनकी नहीं बनी, आधे से ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ये 100 मेंबर भी एमपी हैं, ये पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ये रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, ये ओपोजिशन पार्टी के सदस्य हैं। तो पार्लियामेंट में दो पार्टियां होगी, एक रूलिंग पार्टी जो शासन करती है, रूल बनाती है, देश का शासन चलाती है, और दूसरा वो जो ये देखती है, ये चेक करती है कि क्या गवर्नमेंट सही काम कर रही है। आपने देखा होगा जो राहुल गांधी है या कांग्रेस के नेता हमेशा बीजेपी का विरोध करते रहते हैं, जो भी काम करते हैं उनका क्रिटिसिज्म होता रहता है, वो विरोधी पार्टी है। तो दो पार्टियां आ गई, एक रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन सी बनी, जिसको लोकसभा में, राज्यसभा की तो मैं बात ही नहीं कर रही, जिसको लोकसभा में 50% प्लस वन, आधे से ज़्यादा सीटें मिल गई, ठीक है। लोकसभा की आधे से ज़्यादा 543 में से 273 सीटें मिल गई, और दूसरी तरफ जिनकी पार्टी को 273 सीटें नहीं मिली लेकिन जो इलेक्शन जीत के आए हैं, जितने भी रह गए अब 100 प्लस 50, किसी को 100 मिल रही है, किसी को 50, किसी को 2, किसी को 3, हमारे देश में ऐसा ही है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी पार्टियां कितनी, कौन सी हैं, इसे इन पार्टियों क्या कहते हैं, ओपोजिशन पार्टी, इन्हें क्या कहते हैं, ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। ये बन गई हमारी लोकसभा। अब हम राज्यसभा को बनाते हैं कि राज्यसभा कैसे बनती है। मैंने राज्यसभा का क्या नाम बताया था, हाउस ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मीन राज्य, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, इस तरह से। तो राज्यसभा कैसे बनती है, हमारे देश में राज्यसभा का इलेक्शन आपने देखा होगा, गाल जो आपकी गली वगैरह में, इसका कोई प्रचार नहीं होता बट इलेक्शन होता है,
राज्यसभा। इसकी सीटें मैं आपको बता देती हूँ, अब हैं इसकी सीटें 245। 233 का चुनाव होता है, 12 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में कितने? 2, और लोकसभा में कितने? 12। कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी बता देते हैं। जो लोकसभा के 2 सदस्य हैं वो आते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य। एंग्लो मैंने जो भारत, जो ब्रिटिश यहाँ से चले गए लेकिन उनकी नस्ल यहाँ रहती है, एंग्लो इंडियन, जो इसने यहाँ शादियाँ वगैरह कर ली हैं, जो यहाँ बस गए हैं, वो एंग्लो इंडियन 2 प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वो किसी प्रसिद्ध हस्ती को जो राष्ट्रपति है वो चुन सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को जानते हो, क्रिकेट खिलाड़ी है, वो राज्यसभा का सदस्य भी है, पता है आपको। रेखा, रेखा एक बड़ी हीरोइन है, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, इनको किसी न किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई हो तो उसको भी हम राज्यसभा का मेंबर, 12 मेंबर के रूप में राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो इन 233 का जो राज्यसभा के लोग हैं ये कहाँ से आते हैं? 12 का तो हमने ढूंढ लिया, ये आते हैं राज्यों की लेजिस्लेचर असेंबली से। 7th में आपका एक 3rd चैप्टर है लेजिस्लेचर असेंबली का, ठीक है। सॉरी, लेजिस्लेचर की स्पेलिंग। इस लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हरियाणा की एक विधानसभा है ना, हरियाणा राज्य विधानसभा, जिससे हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है। हरियाणा राज्यसभा में 90 सदस्य हैं, ये 90 सदस्य अपने में से या बाहर, अपने में से नहीं या किसी और में से, ये 90 सदस्य मान लो हरियाणा विधानसभा के सदस्य, हरियाणा विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के, हरियाणा में 5 सीट, हरियाणा से 5 मेंबर जाएंगे राज्यसभा में, इन ये 90 इन 5 का चुनाव करके राज्यसभा में भेजते हैं। इसी तरह पंजाब में, 113 लोग हैं राज्य विधानसभा में, और ये 113 लोग 7, क्योंकि राज्यसभा की 7 सीट हैं पंजाब में, ये 7 लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। मतलब देश की जनता राज्यसभा के मेंबर को नहीं चुनती, देश की जनता राज्य के विधानसभा के मेंबर को चुनती है, और वो जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं वो राज्यसभा को चुनते हैं। ये आपकी पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट बन गई है आपकी, इसकी 2 चैम्बर बन गए, लोकसभा राज्यसभा। अब ये काम क्या करती है? जैसे इसका नाम से ही पता है कि ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब ये कानून बनाती है। संसद का मेन काम हमारे यहाँ कानून बनाना, जितने भी आपके देश में कानून बनाए जाते हैं संविधान में परिवर्तन करना होता है, कुछ संविधान में कुछ जोड़ना होता है, वो सारे संविधान में कुछ परिवर्तन करना है या संविधान में कुछ जोड़ना है, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? इस पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, नोट्स बना लेना। थैंक यू वेरी मच।